देखिए आज मैं आपको एक और क्वेश्चन सिंपलीफाई कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है, एग्जांपल 21 है, एनसीईआरटी का है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमको लिखा है इफ द पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी देन शो दैट पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस एस आर ऑल्सो इन जीपी। तो पहले हम ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। मान लेते हैं पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी। तो पीएथ टर्म कितना होगा किसी एपी का, अगर उस एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मान लें और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो ये आएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये क्या आ गया, ये तो गिवन है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो पी के बाद क्यूएथ टर्म क्या होगा, सेम एपी है तो फर्स्ट टर्म ए रहेगा, कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, वो आएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। पी क्यू आरएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू एसएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी। ये जो टर्म्स हैं पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म, ये किसमें है, अब जीपी में है। एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसएथ टर्म जीपी में है। तो जीपी में क्या होता है कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट रहता है ना, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म मान लो, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इसके अकॉर्डिंग वन टू थ्री थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये कांस्टेंट रहेगा तभी तो जीपी में होंगे, तभी तो ये सारे टर्म्स किस में होंगे, जीपी में, ये हमको पता है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो ये है कि p माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस एस आर इन जीपी। तो यहां पर जो हमें प्रूफ करना है उससे थोड़ा सा अप्रोच बनाते हैं कि किधर की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, जो गिवन है और जो प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है यहां पर उसमें इसको एक बार फिर से लिखते हैं कि ये क्या है। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब है q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा रिजल्ट अगर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू क्यू माइनस आर और r माइनस एस किसमें है, जीपी में है। तो रेशियो यहां पर टर्म्स का दिया हुआ है q माइनस आर, q माइनस आर कब आएगा, जब टी क्यू अपॉन टी आर हो, ठीक है, और उसमें माइनस हो रहा हो। देखो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इधर से जरा देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं टी क्यू अपॉन टी आर, इस टी आर को इधर ला रहे हैं टी पी को इधर ले जा रहे हैं, टी पी अपॉन टी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमें चाहिए क्या, क्यू माइनस आर और पी माइनस क्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद दोनों में वन माइनस कर देंगे, टी क्यू रेशियो है ना, माइनस वन यहां करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी बस माइनस वन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आ गया, टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा, टी पी माइनस टी क्यू
अपॉन टी क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी पी माइनस टी क्यू इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन टी क्यू, ये लिखा जा सकता है ना। अब यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं किसकी, टी क्यू की, टी आर की, टी पी की और टी क्यू की। ऐसा इसलिए किया, देखो जरा यहां पर, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो आ रहा है वो इससे कुछ सिमिलर है, क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू, तो टी क्यू की हमने वैल्यू रख दी। टी क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टी आर की वैल्यू रख दी फिर से माइनस ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अपॉन नीचे क्या रखेंगे टीपी की वैल्यू। टीपी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और टी क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये एक्सप्रेशन टी आर अपॉन टी क्यू के इक्वल है, तो यहां पर हमें टी आर अपॉन टी क्यू नहीं चाहिए। देखो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि ए और ए कैंसिल हो गए, डी और डी हमने कॉमन ले लिया, तो क्यू माइनस आर आ जाएगा ऊपर जो यहां चाहिए, यहां पर जब इसको ओपन करेंगे तो पी माइनस क्यू आ जाएगा। अब यहां पर हमें इस टाइप का रेशियो चाहिए आर माइनस एस क्यू माइनस आर, तो ये अप्रोच तो सामने दिख ही रही है, हमने किया भी इसलिए ऐसा माइनस वन यहां पर कि टी क्यू माइनस टी आर चाहिए, इसको देखकर ही हमने यहां इसको अरेंज किया ना। तो अब हमें नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या दिख रहा है कि टी आर माइनस टी एस चाहिए, तो अब यहां पर आ जाओ, ये देखो इन दोनों को ले लो, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं टी आर अपॉन टी एस कर सकते हैं। देखो यहां पर टी आर अपॉन टी एस किसके बराबर होगा, बस इसको क्रॉस कर रहे हैं, टी क्यू अपॉन टी आर के, टी क्यू अपॉन टी आर, और हमें चाहिए कि आर माइनस एस और क्यू माइनस आर दोनों साइड माइनस वन कर दो, टी आर अपॉन टी एस माइनस वन, टी क्यू अपॉन टी आर माइनस वन, रेशियो है माइनस वन कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया टी आर माइनस टी एस अपॉन टी एस इज इक्वल्स टू टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी आर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टी आर माइनस टी एस टी क्यू माइनस टी आर। अब यहां देखो जरा टी आर माइनस टी एस अपॉन टी क्यू माइनस टी आर इज इक्वल्स टू टी एस अपॉन टी आर। अब यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे पास लिखकर आया है वो है कि टी आर अपॉन टी क्यू, ठीक है, और यहां पर क्या लिखकर आया है टी एस अपॉन टी आर। यहां से देखो टी आर अपॉन टी क्यू किसके बराबर है, टी एस अपॉन टी आर के, और यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ है वो भी एक रेशियो ही तो है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है टी आर अपॉन टी क्यू, ठीक है, इसके प्लेस पर टी एस अपॉन टी आर लिखा जा सकता है। यहां से देखो टी आर अपॉन टी क्यू टी एस अपॉन टी आर के, और इसकी जगह ये लिखा जा सकता है टी आर माइनस टी एस टी क्यू माइनस टी आर, तो वो यहां पर अब पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं, ये जो रेशियो है ये टी आर अपॉन टी क्यू के इक्वल है, पर जो हमारे पास टी आर अपॉन टी क्यू है वही टी एस अपॉन टी आर के इक्वल है, वही टी एस अपॉन टी आर के इक्वल है, और टी एस अपॉन टी आर किसके इक्वल है टी आर माइनस टी एस अपॉन टी क्यू
माइनस टी आर के। बस अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है, टी आर की वैल्यू रख दो, क्या होगी ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और टी एस की वैल्यू क्या होगी, जगह थोड़ी सी कम है, अच्छा यहीं पर इसको आगे करते हैं, पहले इसको देखो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू रखनी है और तो कुछ नहीं। देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और डी यहां पर कॉमन आएगा, देखो डी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिला क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन, और नीचे हमको क्या मिलने जा रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया, फिर हमने क्या किया डी कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ये आ गया। अब ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर जिन्होंने वैल्यू रखी है उसी तरीके से यहां पर टी आर की वैल्यू रख लो, टी आर क्या आएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और टी एस की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी, ये ब्रैकेट लगेगा, और नीचे टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टी आर की ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां पर डी और डी कैंसिल हो गया, ये स्टेप एक फॉरवर्ड चल रहा है, ये थोड़ा सा से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो अब यहां पर सॉल्व करना है तो इसको मिटाना पड़ेगा, अब देखो हमारे पास यहां पर क्या आ गया q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू, अब यहां पर देखो a से a कैंसिल और d हमने फिर से कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा r माइनस s, r माइनस s, और नीचे भी d हमने कॉमन ले लिया, पहले a से a कैंसिल होगा फिर d कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा q माइनस r, तो यहां से q माइनस r अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू r माइनस s अपॉन q माइनस r, ये देखो जो हमें प्रूव करना था वो यहां पर, अगर ऐसे लिखा हो तो हम लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन किसमें होगा जीपी में, और देखो यही एक्सप्रेशन यहां पर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर पी माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर कॉमा आर माइनस एस आर इन जीपी, ये इस क्वेश्चन करने को सिंपल मेथड है।